नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में लगातार हम लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए पहुंच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि 3 साल होने वाले हैं गुरु जी अब समाज में नहीं है तो समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सीधा सवाल हम लोगों से करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जिंसा। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? 27 सालों से। 27 सालों में कैसा लगता है आपको वहाँ पर आकर? यहाँ पर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा की सुरक्षा के बारे में क्या बताएंगे, बेटियों के लिए सुरक्षा कैसी है डेरा सच्चा सौदा? बेटियों के लिए सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। जैसे डेरे वाले स्कूल वाले भी मैंने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी गुड़िया पढ़ के गई है, पिता इन्ने तो अपने माँ बाप भी नहीं करते केयर जिन्नी पिता जी ने बहुत केयर की है मेरी गुड़िया ने। तो गुरु जी के बारे में क्या जानते हैं? गुरु जी का नेचर व्यवहार कैसा है? गुरु जी का नेचर बहुत वधिया है। गुरु जी ते कितना विश्वास करते हैं? मैं तो बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ गुरु जी ते। क्यों विश्वास करते हो? थोड़ी जिंदगी च की बदलाव आया जरा अज भी तुसी गुरु जी दे ऊपर विश्वास करते हो? देखो मेरे ना हस्बैंड नहीं है, अज जो असं तुरे फिरदा मालक दे सारे तुरे फिरदे हाँ। गुरु जी ने समाज दे लई जां देश दे लई किस तरह के काम किए ने? गुरु जी ने तो बहुत वधिया काम किए हुए, जिवें वेश्यावृत्ति वाले कुड़ियां नूं नशा छुड़ाने वास्ते विधि ने बहुत कुछ किया। मैं खुद ही कई बार कहनी हाँ बच्चों को तुम नशा ना करो ना करो, बच्चे किसी अपने माँ बाप की जिंदगी वास्ते। कई बार मैं तो आप बच्चों को देखती हाँ ना, जिवें छोटे छोटे बच्चे जिवें होंगे है गलियां च डिगे पे होंगे, बहुत दिल औखा होंगे, पिता ही बहुत समझाते हैं, साड़ी भी कोशिश रहती है भी असं इन्हों समझाइए। कि अज थोनों लगता है भी समाज में गुरु जी की जरूरत है? हाँ बहुत ज़्यादा है, पिते आएंगे तो सारा कुछ ही वधिया होएगा। सरकार तो की मांग करोगे गुरु जी? मैं तो यही कहनी हूँ मेरे पिते नूं वापिस भेज दें साडे कोल। बहुत बहुत धन्यवाद जी।